बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल CCTV सिक्योर कैंपस GPS एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्फ कोचिंग स्टेम प्रैक्टिस स्कोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मेनी मोर एडमिशन ओपन। सीतापुर का ब्लॉक रामपुर मथुरा भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सुर्खियों में है। इस बार मुंह मांगी रकम न मिलने से आवास योजना के पात्रों को अपात्र घोषित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने पात्रों को योजना का लाभ पाने का हकदार बताया, लेकिन जब उन्हें मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो उन्हें किश्त ही नहीं जारी हो रही है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को अपात्र घोषित करने का खेल थम नहीं रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, फिर भी उन शिकायतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंडा देवरिया की। यहाँ के लाभार्थी सीतापति संजय सुमन देवी आदि का कहना है कि आवासीय योजना में उनका नाम वित्तीय वर्ष 2022-23 में शामिल था, जिसका सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी सीलम वर्मा ने किया था। नाम फीड भी कराए गए थे। आरोप है कि सीलम वर्मा ने लाभार्थियों से पैसों की मांग की, जब मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो किश्त का आवंटन नहीं हुआ। आइए पहले सुन लेते हैं लाभार्थी सीतापति का बेटा सतीश, संजय और सुमन देवी को कि उनका क्या कहना है। क्या मामला है बताइए। मेरा मम्मी का आवास आया था सीतापति के नाम से, तो सर मेरा सीलम वर्मा जो है ना सर, तो मेरा 15,000 रुपये मेरे से मांगी थी सर, मैंने उसको दिया था 15,000 रुपया। उसके बाद बोले कि पहले किस्त आएगी, उसके बाद मैंने जब पूछा तो बोला 10,000 और दोगे तब आएगा किस्त। अभी सर मेरी किस्त एक भी नहीं आ रही सर, अभी मैंने दे चुका हूँ 15,000 सर, 10,000 और बोला था। हमारा नाम सुमन है, घोड़ा दूरिया रहते हैं। हाँ। हमारी आवाज़ फीड हो गया रहा, 10,000 रुपये दे चुके, फिर दोबारा पूछे गए। हाँ। 10 और दिया तो हम तुम्हारा किस्त लगाएंगे। किसको दिया था 10,000 रुपये? सीलम वर्मा। अच्छा, क्या मामला है? संजय। अच्छा, कहाँ? अच्छा बताओ, पूरा मामला बताओ। मामला का है कि आवास अवैध है। हाँ। तो गए ने आवास खातिर तो मतलब 13,000 रुपया तो मांगी, तो 13,000 दे दिए हैं नीलम वर्मा। तो के बाद तो फिर गए हम तो कहा था कि 12,000 और दे, तो फिर किस्त आएगी तुम्हारा। अच्छा, कितने अभी तक दे चुके हो? दे चुके हैं 13,000। आवास पाने की चाहत में ग्राम विकास अधिकारी सीलम वर्मा पर रुपए मांगने का आरोप लगाने वाले लाभार्थियों को जब किश्त के रूप में मिलने वाली रकम नहीं मिली तो मुख्यमंत्री DM से पोर्टल पर शिकायत की। वीडियो रामपुर मथुरा को भी शिकायती पत्र सौंपा। मामले में PD गजेंद्र प्रताप ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि शिकायत की जाँच कराई जाएगी। ज्वाइंट VDO मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि प्रकरण में शनिवार को गाँव जाकर जाँच करेंगे, जब नाम फीड है तो किश्त क्यों नहीं जारी हुई, इसका कारण क्या है ये भी पता लगाया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।